कोरोना वायरस जैसी घातक बीमारी के बचाव हेतु क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कुलदीप ठाकुर ने कहा कि कोरोना वायरस जैसी घातक बीमारी के बचाव हेतु बैजनाथ बस स्टैंड तथा परिवहन निगम की वर्कशॉप पर बसों तथा अन्य जगहों पर सैनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा तथा हर आने जाने वाली बसों पर सोडियम क्लोराइड का छिड़काव किया जाएगा। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कुलदीप ठाकुर ने इसकी शुरुआत बैजनाथ बस स्टैंड से की तथा बसों तथा बस स्टैंड पर सोडियम क्लोराइड का छिड़काव किया गया। कुलदीप ठाकुर ने कहा हिमाचल सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ये कार्य सरकार के आदेशों तक जारी रहेगा। बैजनाथ के RM ने कहा कि कोरोना वायरस घातक बीमारी है, इसके बचाव के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ये इसे हिदायत है कि भाई सभी बसों में सैनिटाइजेशन करना है, जो हमारे यहाँ से आ रही है जा रही है और लोकल, तो हमने आज इसके शुभारम्भ जो है सवेरे से कर दिया है और ये लगभग जब तक ये नहीं होगा तब तक जारी रहेगा। डेली रहेगा ये? हाँ, डेली जो है इसको हम गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सभी बसों में ऊपर वर्कशॉप में भी होगा और यहाँ पर स्टैंड पे और सारे जो भी हमारा रेस्ट रूम है इनमें सब है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कुलदीप ठाकुर ने कहा कि विभाग की ओर से बस चालकों और परिचालकों को मास्क वितरण किए जाएंगे। वहीं कोरोना वायरस को देखते हुए निगम के ऑपरेटरों ने कहा कि वह अपने स्तर पर हर संभव एहतियात भी बरत रहे हैं। PLTV के लिए बैजनाथ से विजय कुमार की रिपोर्ट।